नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोए, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो दोस्तों इसमें रहीम जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनकोए, मतलब कोई बात बिगड़ जाती है या किसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पहले जैसा नहीं हो पाता। बात बन जाती है, रिश्ते तो जुड़ जाते हैं लेकिन पहले जैसा नहीं रह जाता है, कुछ ना कुछ कड़वाहट बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार फटे हुए दूध को कितना भी आप मत लीजिए, उससे मक्खन नहीं निकलने वाला। ठीक, तो रहीम जी का क्या कहना है कि आप कुछ भी करें, कुछ भी किसी को बोलें, किसी भी जैसे रिश्ते में आप कोई बात बोल रहे हो तो उसको बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया, रिश्ता बिगड़ गया, तो फिर दोबारा लाख कोशिश करने पे पहले जैसा नहीं होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, तत्सम तद्भव शब्द विचार का। तत्सम तद्भव मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे तत्सम तद्भव के बारे में, कैसे उसको पहचानना है, क्या उसकी थोड़ा बहुत ट्रिक बता देंगे, कैसे आपको किस अक्षर से पहचान लेना है, तत्सम कहाँ होगा, तद्भव कहाँ होगा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए तत्सम तद्भव के बारे में। तो ये आपका शब्द विचार के अंतर्गत आता है, तो हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो शब्द विचार में क्या है, आज शब्द विचार में आपका है तत्सम तद्भव। ठीक, तत्सम तद्भव मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, आज डिटेल में बात करने वाला, आज पूरा उसका खोल के रख देंगे हम, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। देखिए तत्सम हमने क्या, तत्सम तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। ठीक, तत्सम का क्या बताया था, उसके समान। अब किसके समान, अब इसका क्या बताया था, तत् प्लस सम, तत् मतलब उसके हो गया, सम मतलब समान हो गया, मतलब जो संस्कृत से सीधा हिंदी में उपयोग में लाया गया, सीधा संस्कृत वर्ड ही हिंदी में उपयोग में लाया गया है, उसको हम तत्सम कहेंगे। ठीक, उसको बदला नहीं गया, सीधा का सीधा हिंदी में प्रयोग हो गया है संस्कृत। ठीक, तो क्या हो गया, संस्कृत का हिंदी में सीधा प्रयोग, तो इसी को हमने क्या कह दिया, तत्सम कह दिया। जैसे देख लीजिए क्या तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान जो शब्द है उनका सीधे प्रयोग हिंदी में जो किया गया उसी को हम तत्सम कहेंगे। ठीक, अब जैसे क्या कुछ एग्जांपल हम ले देते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, अग्नि। ठीक, अग्नि हो गया आपका, यहाँ पे उष्ट हो गया, उष्ट मतलब ऊंट होता है। ठीक, हिंदी उसका तद्भव जो है ऊंट हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप तत्सम लेंगे तो उष्ट हो जाएगा। क्षेत्र हो गया, क्षेत्र का खेत हो जाएगा, पाषाण हो गया, और आपका कुछ ले लेते हैं जैसे प्रस्तर हो गया, अच्छी मतलब आंख हो गया। ठीक, तो ये सब संस्कृत के शब्द जो है जो डायरेक्टली यहाँ पे आपका क्या है, हिंदी में यूज किया गया, हिंदी वर्णमाला में यूज किया गया, हिंदी के जो शब्द में यूज किया गया है संस्कृत का डायरेक्ट है, उसको हम क्या तत्सम बोल रहे हैं। ठीक, हम तद्भव देख लेते हैं, तद्भव क्या होता है, तत्सम तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं तद्भव की। ठीक, तो तद्भव का मतलब क्या हो गया कि जो संस्कृत का शब्द है उसका बदल के हिंदी में यूज किया। ठीक, जैसे यहाँ पे अग्नि है तो उसका आग हो गया, ठीक, ऊष्ट का ऊंट हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, पाषाण का पहाड़ हो गया, प्रस्तर का पत्थर हो गया, अक्षी का आंख हो गया। ठीक, तो संस्कृत शब्द को बदल के हिंदी में जो है उपयोग में लाया गया है, तो यहाँ पे क्या था, तत्सम उसके समान। तो यहाँ तद मतलब उससे, भव मतलब जन्मा, उससे मतलब संस्कृत से जन्मा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे उससे जन्मा या बना, किससे, संस्कृत से बना हिंदी, संस्कृत से बना हिंदी शब्द। ठीक, संस्कृत शब्द से हिंदी में परिवर्तित हुआ
तो क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें आपका संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित शब्द का उपयोग। ठीक, यहाँ क्या था, संस्कृत से हिंदी में सीधा, संस्कृत का हिंदी में सीधा मतलब संस्कृत से संस्कृत ही लिख दिया गया था, यहाँ क्या संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करके, हिंदी में परिवर्तित करके उस शब्द का उपयोग किया गया है, तो क्या हो गया तद्भव, मतलब उससे जन्मा, संस्कृत से जन्मा हुआ, और तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। इसका उदाहरण ये देखिए, अग्नि है तो आग हो गया, ऊष्ट है तो ऊंट हो गया, क्षेत्र है तो खेत हो गया, पाषाण है तो पहाड़ हो गया, प्रस्तर है तो आपका पत्थर हो गया, और अक्ष है तो आंख हो गया। ठीक, तो आपको क्या यहाँ देखिए, इसका अग्नि था आग हो गया, उष्ट का ऊंट हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, पाषाण का पहाड़ हो गया, प्रस्तर का पत्थर हो गया, और अक्षी का आंख हो गया। यहाँ का क्या तत्सम क्लियर हो गया, तद्भव क्लियर हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे कि तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम में आगे चार ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछा कि इसमें तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन से वर्ण के प्रयोग से, किस वर्ण के ना होने से कौन सी मात्रा लग जाती है। ठीक, अनुस्वार का प्रयोग करके कैसे तत्सम तद्भव पहचानेंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करनी है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करें। ठीक, अब एक तरफ लिख लेते हैं हम तत्सम, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं तद्भव। देखिए इनकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए जितने भी मैंने पढ़ा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त कौन से, छा त्रा स्रा और ज्ञा थे। ठीक, तो आपका वो क्या संयुक्त व्यंजन जो आता है, दो दो वर्णों से मिलकर होता है। ठीक, पहले तो ये बता दिया संयुक्त व्यंजन की बात होगी। अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जितने भी होते हैं सब संस्कृत वर्ड में यूज, संस्कृत शब्दों में संयुक्त व्यंजन का यूज किया जाता है। तो संस्कृत का मतलब क्या हो गया, तत्सम हो गया, संस्कृत का मतलब हो गया तत्सम। ठीक, तो कौन से हो गए, एक छा हो गया, एक त्रा हो गया, एक स्रा हो गया, और ज्ञा हो गया। छा त्रा स्रा और ज्ञा जो है वो आपके तत्सम में यूज होंगे। ठीक, तत्सम में उपयोग कैसे हो गया, छा त्रा स्रा ज्ञा। अब जब यही तत्सम तद्भव में बदलेगा तब क्या होगा, यही तत्सम जब तद्भव में बदल जाएगा तो जब क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे देख लिए खा बन जाएगा। ठीक, छा आपका खा बन गया, त्रा आपका जो है ता बन गया, और यहाँ आपका ज्ञा जो है जा बन गया, ज्ञा जा बन जाएगा, और स्रा जो है सा बन जाएगा। ठीक, क्या बन गया, छा जो है आपका खा बन गया, त्रा जो है आपका ता बन जाएगा, स्रा जो आपका सा बन गया, और ज्ञा जो है आपका जा बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा, इसका परिवर्तन जो है इसमें हुआ है। ठीक, जब परिवर्तित होगा अब कैसे देखिए, अब जैसे इसका देखिए क्षेत्र हो गया। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्षेत्र हो गया, छा से क्षेत्र हो गया। ठीक, अब क्षेत्र कैसे परिवर्तित होगा, देखिए इसमें छा जो है खा में बदला, ठीक, ये छा जो है खा में बदला, त्रा जो है ता में बदला। ठीक, तो क्षेत्र का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, खेत हो गया। ठीक, छा जो है किस में बदल गया, खा में बदल गया। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं अक्षत, अब इसका छा देखिए किस में बदलेगा, अब छा जो बदलेगा खा में। ठीक, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा अखत। ठीक, इसका ये हो गया अक्षत, यहां हो जाएगा अखत, यहां लिखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि खा में बदलेगा।
अक्षत क्या हो गया आपका तत्सम हो गया, अखत क्या हो गया आपका तद्भव हो गया। और देख लेते हैं दूसरा, जैसे मित्र, अत्रा किस में बदलेगा, ता में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्षेत्र का खेत हो गया, मतलब छा खा में बदला, त्रा जो है ता में बदला, मीत हो गया। ठीक, और आपका देख लेते हैं जैसे श्रमिक, श्रा किस में बदला है, श्रा जो है सा में बदला है। ठीक, श्रा बदला है सा में, श्रमिक, तो श्रमिक का क्या हो जाएगा, सेवक। तो श्रमिक का आपका क्या हो गया, तद्भव सेवक हो गया। ठीक, तो ऐसे ही आपका ये हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, छात्र श्रा ज्ञान तत्सम में क्या होता है और तद्भव में क्या होता है, इसका परिवर्तन है। मतलब ये जान लीजिए आपका जब छात्र ज्ञान श्रा आएगा जिस भी शब्द में आएगा उसको आप देखते ही तत्सम टिक कर दीजिए। ठीक, आपका गलत नहीं होने वाला है। और उसका परिवर्तन भी बता दिया, जैसे मान लीजिए आप परिवर्तन क्यों बताया, परिवर्तन किस लिए बताया, परिवर्तन जैसे देखिए आपके क्वेश्चन में कैसे दे देगा, क्षेत्र का तद्भव बताइए। तो जब आप परिवर्तन जानेंगे तभी तो बताएंगे कि छा का परिवर्तन खा में होगा, तभी खेत बता पाएंगे। ठीक, तो परिवर्तन जैसे कोई शब्द दे के उसका तद्भव करने के लिए कह दिया तो परिवर्तन से होगा, बाकी बोल दिया कि इनमें से तत्सम कौन सा है तो आप ये है अक्षरों से पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो अब एक आपका हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, बात करेंगे कि दूसरा नियम कौन सा है। तो छात्राज्ञा अस्त्रा वाला आपने देख ही लिया है। अब बात करते हैं कि जो है अनुस्वार में, अनुस्वार में अनुस्वार में अगर अंग बिंदी है तो तत्सम होगा, और अगर जो है चंद्र बिंदी है, ठीक, तो आपका तद्भव होगा। किसी शब्द में अगर अंग बिंदी लगा है तो तत्सम होगा, किसी में जो चंद्र बिंदी लगा है तद्भव होगा। इसका कुछ उदाहरण देखें, जैसे इसमें इसका हम देख लेते हैं, जैसे पंच हो गया, पंचम हो गया, या पंचमा अक्षर भी हमने को बोला था वहां पंच हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे तद्भव में क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। ठीक, और जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे जंघा होता है, ठीक, तो उसका क्या होता है तद्भव में क्या हो जाता है, जांग हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, तत्सम और तद्भव, मतलब अंग बिंदी है तो तत्सम हो जाएगा और यहाँ पे चंद बिंदी है तो तद्भव हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे मैंने उदाहरण बता दिया। और क्या होता है अणा, अणा वाला जो अणायुक्त शब्द, अणा जिस शब्द में आता है वो तत्सम होता है। ठीक, अब कौन सा इसमें, अणा जिस शब्द में आता है वो तत्सम होता है। ठीक, और इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, ना में, जब तत्सम को तद्भव बनाते हैं तो वहां पे ना हो जाता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं कर्ण, अब कर्ण है यहाँ पे तो क्या हो गया, कर्ण है तो आपका तत्सम हो गया, यहाँ पे जब इसका कान हो गया, अड़ा जो है ना में बदल गया ना, कान हो गया तो तद्भव हो गया। और जैसे आपका कौन सा हो गया पर्ण, पर्ण है इसका जब परिवर्तन करेंगे यहाँ पे पान हो जाएगा, अड़ा जो है ना में बदल गया। ठीक, कर्ण है, पर्ण है, ये सब आपका अणायुक्त शब्द जो है तत्सम हो गया, और जब यहाँ पे नाम में बदल गया तो वहां पे आपको तद्भव हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए पूछिए कर्ण का तद्भव क्या होगा, तो यहाँ पे आप बता दी कान, या फिर कान का तत्सम पूछिए ना को ना में बदलेंगे तो कर्ण आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप पहचान पाएंगे। इसके आगे बात करते हैं हम, तो कौन कौन सा आपने देख लिया, छात्र ज्ञात्रा, और यहाँ पे चंद बिंदु अंग बिंदु, और आपने अणा का प्रयोग देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे या की,
अब या क्या होता है, देखिए या युक्त शब्द तत्सम होता है, या युक्त शब्द तत्सम होता है और या का परिवर्तन जा में हो जाता है तो तद्भव हो जाता है। ठीक, अब कैसे, जैसे यम, यम जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, जम। ठीक, और आपका देख लीजिए जैसे यमुना, यमुना तत्सम शब्द है ये आप याद रखिएगा, और यमुना जब तद्भव में बदलता है तो क्या हो जाता है, जमुना। गांव में देखे होंगे सब लोग जमुना जमुना बोलते हैं, जमुना जी का पानी। ठीक, तो यहाँ पे यमुना और जमुना में बहुत बड़ा फर्क है, यमुना आपका तत्सम हो जाएगा और जमुना आपका तद्भव हो जाएगा, ऐसे यम का जम होगा, मतलब या का परिवर्तन जा में हो जाएगा। ठीक, और आपका देख लेते हैं कौन सा है, थोड़ा सा जैसे युवती, युवती का क्या हो जाएगा, तद्भव युवती। ठीक, तो या बदल गया जा में। अब हम बात करेंगे रा की। ठीक, तो रा कैसे बदलता है, देखिए रा का परिवर्तन देख लेते हैं कि रा कैसे बदलता है। अब इसमें देखिए क्या है, एक तो आप जानते हैं रा वर्ण का जो प्रयोग, कई ऊपर रा लगा होता है, नीचे ऐसे वी या उल्टा वी वाला रा लगा होता है, आधा रा लगा होता है, ठीक, पदेन रा लगा होता है, मैंने कई रा आपको बताया है, तो उन सबका प्रयोग कर किया। यदि रा वर्ण ऊपर नीचे लगे हों, ठीक, रा वर्ण ऊपर या नीचे लगे हों, अथवा रियुक्त शब्द तत्सम होते, मतलब रियुक्त शब्द और रा अगर ऊपर नीचे, मतलब रा का कोई रूप यूज हुआ हो, रा का पदेन रूप या ऊपर रेफ रूप यूज हुआ हो तो वो तत्सम होता है। ठीक, और क्या बोला, तद्भव होने पर लोप हो जाता है, और जब उसका तद्भव बनाते हैं रा से युक्त शब्द का तो उसका लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, या फिर जो है रा पूरा पूरा आ जाता है। ठीक, अब इसका जैसे देखिए रा होगा और री, ये दोनों जो है तत्सम होंगे, ये दोनों तत्सम होंगे। ठीक, रा और री से। अब जैसे क्या है, जैसे हो गया कर्म, हो गया कर्म का क्या हो गया, काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए रा का लोप हो गया, रा चला गया, ठीक, कर्म में से रा चला गया, रा का लोप हो गया और यहाँ पे बन गया काम। ठीक, और जैसे आपका बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध वर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध कर्पूर, कर्पूर में अभी इस रा का लोप हो जाएगा। ठीक, इस रा का लोप हो जाएगा, मतलब रा का प्रयोग जहां भी हो, जिस भी ऊपर चाहे नीचे हो, आप तुरंत तत्सम टिक कर दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक, रा ऊपर हो या नीचे कैसे भी यूज हो, रा के जितने रूप हैं वो सब तत्सम होते हैं। कपूर हो गया, और आप देख लीजिए चर्म हो गया, चर्म का श्याम हो जाएगा, अकार्य हो गया, अकार्य का क्या हो जाएगा, अकार हो जाएगा। अब देखिए या भी बदला है इसमें और रा का लोप भी हुआ है, या का मान क्या बता, जा में बदल जाता। ठीक, अकार्य का अकार हो गया, चर्म का चाम हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया, कर्म का काम हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे इसका परिवर्तन हुआ है। अब हम आप आगे बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा और नियम बचा है दो तीन, तो आइए देख लेते हैं रा के थोड़ा एक दो और बचे हैं। रा तो पूरा हो गया, आपका एक दो और बचा है कि रा पूरा जब होगा तो कैसे होगा, और एक आध दो नियम और बचा है तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा होगा। रा और री का पढ़ लिया है, अब देखिए थोड़ा सा डा और ढा का पढ़ेंगे। ठीक, डा और ढा में क्या होता है, अब क्या है डा और ढा, एक आपने पढ़ा होगा द्विगुण व्यंजन, अड़ा और ढा, डा के नीचे बिंदी होती है, ढा के नीचे बिंदी होती है। ठीक, तो उसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए डा और ढा के नीचे बिंदी ना लगी हो तो तत्सम, मतलब ये हो गया कि जब डा और ढा ऐसे होगा तो तत्सम होगा, और जब अड़ा और ढा ऐसे होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, यही इसमें कहा गया कि
जब नीचे बिंदी ना लगी हो तो तत्सम होता है, यदि बिंदी लगी हो तो तद्भव हो जाता है। ठीक। और तत्सम में प्रयुक्त टा का तद्भव में ळा हो जाता है। अगर तत्सम में टा प्रयोग हुआ है, ठीक, अगर तत्सम में टा प्रयोग हुआ है तो उसमें क्या बन जाता है, ळा बन जाता है। यहाँ ना लिखते हैं, अलग से बताएंगे इसको। ये टा जो है इसमें ळा बन जाएगा। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। टा का बदलाव किसमें हो जाएगा, परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ळा में हो जाएगा। कि तत्सम में अगर टा आया है तो तद्भव में जाके ळा में बदल जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पहले इसी का देख लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए घट हो गया, ठीक, ये तत्सम में टा है घट, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका, घड़ा हो जाएगा, घट का घड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ळा बताए ढा लिख दिए थे, गलती हो गई। तो यहाँ पे देखिए कैसे कि घट का घड़ा हो गया। और आपका देखिए मरकटी, मरकटी अब टा किसमें बदलेगा, ळा में बदलेगा, और रा का लोप हो जाता है। पिछली बार बताया था इसके पहले कि रा जो है रा का रूप में रा का लोप हो जाता है। ठीक, तो मा हो गया, रा का लोप हो गया का, और टा किसमें बदल गया, ळा में बदल, तो हो गया क्या, मकड़ी हो गया। और दूसरा देख लेते हैं कैसे, घोटक हो गया आपका घोड़ा हो गया। ठीक, घोटक का घोड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या, ळा और ढा का प्रयोग देखिए कैसे हो गया। ठीक, और बाकी एग्जांपल है बहुत सारे, आप पहचान लेंगे उसमें कि जब नीचे बिंदी नहीं लगी होगी तो वहां पे तत्सम होगा, और जब नीचे बिंदी लगी होगी तो वहां पे तद्भव होगा। इसी से आप पहचान लेंगे। ठीक, आपका परिवर्तन पूछ लेगा कि इसका परिवर्तित जो तद्भव में कीजिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए इसके नीचे बिंदी लग जाएगी बस, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इतने में आप तत्सम तद्भव पहचान लेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं सा और सा का प्रयोग, सा और सा का प्रयोग कैसे होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए क्या बोला है, यदि सा और सा मतलब संयम वाला सा, ठीक, और वो छोटा सा, ठीक, बड़ा सा और छोटा सा जो है आधे हो किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो वह अधिकांशतः मतलब हमेशा नहीं लेकिन 90% अधिकांशतः जो है तत्सम होते हैं। ठीक, मतलब यदि अधूरा सा और सा, कौन सा, ये वाला सा या फिर ये वाला सा, कब आएंगे, शब्द के प्रारंभ में। ठीक, यदि सा और सा अधूरा मतलब आधा अधूरा सा और सा शब्द के प्रारंभ में आता है तो अधिकांशतः मतलब 90% चांस, कितने 90% चांस जो है कि तत्सम होंगे। ठीक, और जो है तद्भव में सा और सा का लोप हो जाता है। अब जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, श्मशान, श्मशान बोलते हैं जिसको हम, ठीक, श्मशान होता है। अब इसका जब देखिए शुरू में सा आया, ठीक, अब तद्भव में क्या बताया था, लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है, तद्भव में देखिए हो जाएगा मशान। ठीक, तद्भव में हो जाएगा मशान। अब देखिए, और या यहाँ पे लोप हो गया, या फिर आपका जो है क्या बदल होता है, ये जो सा है ये किस में बदल जाएगा, पूरे सा में। ठीक, पूरे सा में। अब जैसे ससुर, ससुर तत्सम तब्द है, तद्भव में क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक, मतलब क्या हुआ, या तो इसका लोप हो जाएगा या फिर ये जो है सा में बदल जाएगा। ठीक, क्या होता है, या तो इसका लोप हो जाएगा या तो ये सा में बदल जाएगा। कौन सा सा में, छोटा सा में। अब बात करते हैं, देखिए
श्रेष्ठी श्रेष्ठी। अब देखिए श्रेष्ठी, ये श्रा इसमें क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया संयुक्त में। अब श्रा जो है किससे, सा और रा से मिलकर बना थी, श्रा हो गया, तो उसमें सा आया है, तो श्रेष्ठी का क्या आ जाएगा, सेठ। ठीक, तो सा किस में बदला, सा में बदला। ठीक, श्रेष्ठी का सेठ, जैसे अश्रु, अब इसका क्या होता है, मूच हो जाएगा। ठीक, इसका मूच है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सा का लोप हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया, तद्भव, ये आप याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, अश्रु का मूच हो जाता है कैसे, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सा का लोप हुआ, इसमें सा सा में बदल गया, इसमें सा जो है सा में बदल गया, और इसमें सा का क्या हो गया, लोप हो गया। तो यहाँ पे आप सा का प्रयोग कर लिए। ठीक, और बाकी मैंने आपको क्या बताया था, और एक देख लीजिए आप, यहाँ किनारे बता दे रहा हूं, खस्तिसा जहां भी आएगा, खस्तिसा जहां भी आएगा, जिस भी शब्द में आएगा, क्या होगा, हमेशा हमेशा तत्सम होगा। खस्तिसा कहीं भी आएगा तो हमेशा हमेशा तत्सम हो गया। बाकी आपको छात्र स्वराज्ञा बता दिया है, चंद बिंदी जो है तत्सम हो गया, और चंद बिंदी जो है आपका तद्भव हो गया, मतलब अंग बिंदी तत्सम हो गया, चंद बिंदी तद्भव हो गया, और छात्र स्र और ज्ञा क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। ठीक, और आधा सा या आधा सा जहां आएगा ये आपका तत्सम हो गया, ये आप नोट कर लीजिए किनारे, इससे आपको जल्दी पहचान हो जाएगी। और डा और ढा तत्सम हो गया, और कौन सा बचा आपका, रा के रूप, रा के जितने भी रूप है, रेफ है, पदेन है, सब ये आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। अब यहां इतने से आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक, और आपका वो अड़ा और या, अड़ा और या, ये भी आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। देखिए इतने से आपका पूरा तत्सम तद्भव हल हो जाएगा। ठीक, केवल आपको इतना ही देखना है, यही मैंने आपको बताया था कैसे बदलता है, इतने से आपका तत्सम तद्भव पूरा का पूरा हो जाएगा। कैसे, सा खष्टी सा जहां भी आएगा तत्सम होगा, चंद बिंदी जहां आएगा तद्भव होगा, अंग बिंदी जहां आएगा तत्सम होगा, छात्र तत्सम होगा, स और स तत्सम होगा, ढा और ढा तत्सम होगा, और जो है आपका रा के रूप जितने हैं तत्सम होंगे, अड़ा और या तत्सम होगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे तत्सम और तद्भव मैंने पूरा समाप्त कर दिया है, कैसे प्रयोग होगा, कैसे पहचानना है, ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।